सोमवार को चला जाइए सभी लोग। पचास तो दो, पचास देर कटे दे रही हूँ। दानु कहीं हुई? जाओ यार, जाओ जी, जिला रहा है क्या जाओ? बिकॉट लावत लिए हो मजे का। बिकॉट लावत लिए हो मजे का। काम है? पैसे दे दिया। पांच की है? चल गाड़ी बड़ा। पैसा कौन माँ? पैसा नहीं देवानी? कोई बात बार ऊँची है सब जगह चल जाती है। जानते वाले क्या? जानते वाले क्या? कितने का है? कितने चाहिए आपको? दे दो ना, किस कैसे दिया आपने? 40 रुपए किलो दिया। हाँ दे दो, 2 किलो दे दो। ये अपने ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा के अंतर्गत गांव का नाम तरौली, ये स्वामी बाबा का मंदिर है। ये मंदिर की ऐसी खूबी है कि जिस भी यात्री के चर्म रोग हो जाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद निशान पड़ जाते हैं, तो इस कुंड में स्नान करने से और इसकी मिट्टी लगाने से वो एकदम ख़त्म हो जाते हैं। कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही हो चर्म रोग में, और इस कुंड में आप स्नान करो, इसकी मिट्टी लगाओ, तो वो बिल्कुल आपको एकदम साफ हो जाएगी। ऐसी यहाँ स्वामी बाबा की महिमा है। जय श्री राधे, जय श्री राम। जो सफ़ेद दाल होता है, चरम रोग, खाज खुजली, वो सब सही हो जाती है। यहाँ का नेम टाइम बताया जाता है,
बाबा के आशीर्वाद से, बाबा की सेवा करने से सब हो जाती है। जो भी कोई मनोकामना लेके आए, हर चीज की इच्छा पूर्ति जयपुर में बता रहे थे। जयपुर वाले आते हैं यहाँ सोमवार, यहाँ आते हमारी गौशाला से जुड़े हुए हैं, मंदिर पे आते हैं सोमवार आते हैं। यहाँ सोमवार को बाबा का जो महत्व है वो प्रत्येक सोमवार का महत्व है। हर आठवें दिन यहाँ मेला लगता है हर सोमवार को, और नवंबर के महीने में, कार्तिक के महीने में लक्खी मेला जो कि आठ दिन चलता है, जो अब की बार 2 नवंबर से लेकर के 10 नवंबर तक लगेगा। देश के हर कोने से, जगह जगह से श्रद्धालु और भक्त आएंगे और अपनी अपनी मनोकामना पूरी करेंगे। एड्रेस क्या है यहाँ का? एड्रेस ये है कि ये गांव तरौली सुमाली पड़ता है, तरौली पड़ता है, तहसील छाता, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश में पड़ता है गांव तरौली। बस ट्रेन दोनों आता है? बस ट्रेन आपको मिलेगी, मथुरा के लिए मिलेगी, कोसी के लिए मिलेगी, और ट्रेन से जो आप आ जाएंगे, बस तो आपको अकबरपुर तक मिलेगी। दिल्ली से, आगरा से, जहाँ से भी आप आना चाहें, साधन की पूरी व्यवस्था है। बलराम जी की भूमि है, 500 के क्षेत्र में यहाँ रास करो, रास रास करते करते खूब काम को प्यास लगे। गोप का बोली बलराम जी से अब रास नहीं हो रहा, क्यों? काम को प्यास लगे, प्यास में कोई रास होता होगा? बलराम जी बोले पास में जमुना जी बह, उनको बुला लाओ, सब लोग पानी पी लें, फिर रास चलते रहे। गोप का कहीं बुलाए जमुना जी मैंने कर दिया, कब हम ही जाएंगे, तुम सब लोग नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि हमारे जेठ जी लगे, हम घूमट करें पड़ रहा, तो महिलाओं को स्वभाव होता है वहाँ कच कही वहाँ कच करें चोली करें, तो शेष अवतार ये उन्होंने हरमेश्वर से खींच ली जमुना जी। जमुना जी जो बह रही हैं, एक ऐसो सी है, अब ऋचा दाव जी जाओगे तुम जो बह रही हैं, और हर जगह तुमको यूँ पाएंगे, एक ऐसो सी है जो यूँ बह रही हैं। 84 को लीला करी ठाकुर जी ने, कम तीर चुराए, कम बिहार करे, कम माखन चुराए, जैसी लीला करी ऐसे नाम पर के। Oh,